सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज का वीडियो डबल डिस्क के ऊपर होने वाला है। आप लोगों का बहुत डिमांड आ रहा था, लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई डबल डिस्क कैसे लगाया, कैसे बनाया फ्रंट में, इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाओ कुछ। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ, ताकि आप लोग इसको देखने के बाद तो आप लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डबल डिस्क का वो क्लियर हो जाए, और आप लोगों को पता चले कि कैसे ये बनाया जाता है और इसका कॉस्टिंग कितना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये सब आप लोगों को बताने वाला हूँ और इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड एंड एंजॉय द वीडियो। एकदम पहले से बता कि क्या क्या चाहिए हम लोगों को। ये मतलब सिर्फ KTM के लिए नहीं, कोई भी बाइक्स के लिए ना, मतलब दो आपका फ्रंट का रिम लगेगा, ठीक है। हाँ, बेंड भी यूज कर सकते हो आप, टूटा हुआ भी यूज कर सकते हो या नया भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हाँ, उसके बाद दो डिस्क लगेगा आपका लेफ्ट साइड का फोर्क या राइट, जो भी आपका डिपेंड है कौन सी बाइक है उसके ऊपर है। डिस्क और कैलिपर जो साइड में, अभी कोई कोई का लेफ्ट में, कोई कोई का राइट में है, वैसा डिपेंड करके आपके ऊपर है। जो साइड का रहेगा वो साइड का फोर्क लगेगा। कैलिपर है, एक्सेल चेंज हो जाएगा आपका, अच्छा, और आपका ब्रेक लाइन आएगा। अच्छा, ठीक है, दो मैक्विल लगेगा, फिर आपका जो है यूज ले लो, उसमें आपका पैसा भी सेव हो जाएगा। आप वहाँ से ले सकते हो या KTM से मिलता है, KTM से ले सकते हो, या कोई भी सर्विस सेंटर या कोई और बाइक का बना रहे हो तो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो सकता है, तो वहाँ से ले सकते हो। मैक्विल में ऑल्टरनेशन क्या करना पड़ा कि लेफ्ट का जो हब है वही हब आपका राइट में आ जाएगा। अच्छा, ओके, ऑल्टरेशन होके, या आपका पहले राइट में है तो राइट का हब लेफ्ट में आ जाएगा। मतलब जैसी बाइक है आपकी, जो साइड में आपका कंपनी से जो डिस्क साइड आता है वही डिस्क साइड आपका दूसरे अपोजिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये हब मतलब आप लोग ये जो है इसको हब बोलते हैं, ये हब है, यही हब में वो प्लेट जिसमें डिस्क प्लेट बैठता है ना, यही हब आपका ये बाजू आ जाएगा। ये बाजू अभी इधर में आप लोग देख सकते हो, उसने ऑल्टरेशन करके लगाया है, और उसके बाद इसमें आर्गन वेल्डिंग मार दिया ना, आर्गन वेल्डिंग। तो आर्गन वेल्डिंग मारने के बाद ये एकदम प्रॉपर हो गया है। एक्चुअली इसका कैसा है, अंदर भी आपका सेंटर प्रॉपर आना चाहिए। सेंटर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मैक्विल फेलियर हो जाएगा। हाँ, तो फिर वापिस मैक्विल दूसरा लेके, फिर दो मैक्विल लेके आपको कटिंग करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो लेट से होता है ना, ये बाइक बहुत नॉलेज हो तो मॉडिफिकेशन में करता हो, उससे आप कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक एक सेंटीमीटर का आपको माप लेके आपको करना पड़ेगा। थोड़ा भी एकदम इतना सा भी अगर यहाँ हो जाएगा ना तो ये बैठता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये कैलिपर बैठेगा नहीं, बैठेगा ही नहीं आपका। और ये एक लाइफ का भी रिस्क है ना, मतलब एक भी अंदर चले गया और आप लगा लेते हो जबरदस्ती तो आपकी डिस्क बेंड हो जाएगी या तो इसकी थ्रेडिंग खराब हो जाएगी। ओके, डिस्क मैक्विल आपका क्रॉस हिलते रहेगा और इसकी थ्रेडिंग चली जाएगी। अच्छा, ओके, कैलिपर का प्रॉब्लम हो जाएगा, डिस्क बेंड हो जाएगी और उससे मैक्विल भी टूट सकती है। हाँ, टूट सकता है भाई, आदमी का जान भी जा सकता है, मतलब अगर प्रॉपर नहीं हुआ है वो खुद की लाइफ पे, मतलब रिस्क है। तो मोस्टली प्रोफेशनल से ही आप करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आपका मैक्विल है वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि कैसा है, जो ओल्ड मैक्विल है उसका हब छोटा है। अच्छा, इसका जो लेंथ है डायमीटर वो छोटा है। जो नया वाला है उसका डायमीटर बड़ा है होल का, यहाँ का हब का। 2017 के बाद से जो आता है ना उसमें उसका हब अलग आता है, हब अलग हो गया है, तो उसका जो हब का ये जो डायमीटर है यहाँ का वो बड़ा है। ओके, उसके वजह से आपकी डिस्क भी बड़ी हो जाती है। उसमें तो 320 mm का डिस्क लगता है ना। तो वही है, दोनों साइड का हब आपका मैच होना चाहिए। अगर आप एक साइड का अलग डालोगे, एक साइड का अलग डालोगे तो प्रॉब्लम देगा आपको। ओके, एक्सेल कैसा, मतलब कैसे लगाया, कौन सा बाइक का लगाया इसमें? जो है वो आपके ऊपर लेंथ के ऊपर है। अच्छा, लेंथ के ऊपर है। हाँ, तो ये कस्टम्स बनाया है या फिर? नहीं नहीं, ये जो मैंने डाला है ये डोमिनार का है। अच्छा, डोमिनार का है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फिट हो जाता है। अच्छा, डोमिनार का एक्सेल थोड़ा बड़ा है KTM से। बड़ा है KTM से, अच्छा, तो फिट हो जाता है। अच्छा, ओके, एकदम नेक्स्ट टू न्यू यूज पार्ट है तो ओके है। अगर ज्यादा यूज है तो मैं प्रेफर करूंगा नया ही डाल लो, क्योंकि फिर यूज डालोगे फिर वो लीक होगा, फिर आप बार 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 ऑयल सील चेंज करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा।
अभी कैलिपर का बात कर लेते हैं। कैलिपर का ये तूने कौन सा कैलिपर लिया है? कैलिपर जो है वही लेफ्ट का ही कैलिपर है। लेफ्ट का ही मतलब केटीएम का ही कैलिपर है। केटीएम का ही कैलिपर है। वो आपका कैलिपर उल्टा लग जाता है। अच्छा, मतलब ये कैलिपर उल्टा है क्या? ये अभी उल्टा है, अपसाइड डाउन है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो साइड का आप देखोगे तो इसका ब्रेक का जो एयर ब्रीड बोल्ट है वो ऊपर रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें आपका नीचे है तो आपको जब ब्लीडिंग करनी होगी तब ये निकालना पड़ेगा पूरा। अच्छा। और सीधा करके फिर आपको उसका ब्लीडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो एयर रह जाएगी और ब्रेक खाली जाएगा। तो ब्लीडिंग जो है वो सर्विस सेंटर से करवा लो या कोई हाईली एक्सपीरियंस मैकेनिक से करवाना, खुद से नहीं करना। तो दो डिस्क हो गया, अपना फोर्क हो गया, ठीक है, कैलिपर हो गया, कैलिपर हो गया, रिम हो गई, फिर ब्रेक लाइन हो गया, और ब्रेक का बोल्ट होता है वो बेंजो बोल्ट है, लेकिन वो कैसा है ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ ये वाला जो है ये छोटा वाला नॉर्मल आता है। अच्छा। और जो वो साइड है वो यही पाइप को जो दूसरा कैलिपर है उसमें जॉइंट करने के लिए आता है। अच्छा। वो आपका बड़ा रहता है। अच्छा। तो वो दोनों आपका पाइप आएगा, जो एबीएस से जो एक आता है वो एक सेकेंड बाजू आ जाना, बाजू दिखाता, ये जो है ये आपका बाइक का पाइप है जो एबीएस से आता है। ये नॉर्मल स्टॉक यही रहता है ना, ये यही आता है एबीएस मोटर से, ये एबीएस मोटर से यही पाइप आता है। ये पाइप यहाँ पे आ जाता है और ये जो है ये वो बाजू का जो कैलिपर है वहाँ से आया है। अच्छा, वहाँ से वो कनेक्ट किया है, एक नॉर्मल वाला एक पाइप है ना, पाइप का लेंथ देख सकते हो आप, छोटा वाला एक एकदम छोटा वाला, छोटा वाला ब्रेक लाइन मोस्टली सब सुपर बाइक में यूज होता है। अच्छा, सुपर बाइक्स में भी ऐसा ही मतलब सिस्टम, सेम सिस्टम है। अच्छा। दोनों साइड आपका ये नहीं होता, एक ही साइड एबीएस होता है, एक ही साइड से वर्किंग होता है। ओके, ऐसा है। अच्छा, तो ये जो दोनों है एक ही बोल्ट में कनेक्टेड है। अच्छा, दोनों एक ही बोल्ट में कनेक्टेड है। तो आपको वो लेंथ का आपको बोल्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, तो इस बाजू में थोड़ा बड़ा बोल्ट लेना पड़ेगा, ये बाजू में बड़ा बोल्ट लेना, मतलब बेंजो जो बोल्ट है वो थोड़ा बड़ा चाहिए हम लोगों को। ओके, और तो कई अभी इसमें ब्रेक फ्लो मतलब जो फ्लूइड जैसा वो कैसे काम कैसे कर रहा है अभी, एबीएस कैसे काम कर रहा है? पहले तो जैसा नॉर्मल था वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन जो ब्रेकिंग पावर है वो एकदम मैक्स आउट बढ़ गया है। अच्छा, हल्का सा भी प्रेस करते तो एकदम फट से रुक जाती है भाई। ओके, और ओके, अगर इमरजेंसी मारते हैं तो स्टॉप ही होती है। अच्छा, ओके, लिटरली स्टॉप भी होती है, एकदम फट से रुक जाती है इमरजेंसी में। ओके ओके, और इधर में ब्रेक प्रेस करने के बाद इधर से जो ब्रेक लाइंस मतलब जो ब्रेक फ्लूइड है वो डायरेक्ट पहले जाता है अपना एबीएस में जाता है। हाँ। और एबीएस से फिर आपका नीचे आ जाता है। तो जाता है नहीं, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत किसी को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो मतलब जो ब्रेक लाइंस जो एबीएस मोटर से जो आ रहा है, ठीक है, वो तो उधर से तो डिवाइड नहीं, वो पहले लेफ्ट साइड का कैलिपर में आ रहा है फिर जाके राइट साइड में जा रहा है ना, जब आता है ना। हाँ। तो कैसे प्रेशर बोल्ट में आता है। अच्छा, ओके, वैसे ही वो प्रेशर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि दोनों ब्रेक लाइन में ऑलरेडी ऑयल है। ओके ओके, हाँ हाँ, सिर्फ जो रहता है प्रेशर जो ऊपर से जनरेट, जैसे प्रेशर आता है अपने आप डिवाइड हो जाता है। ओके ओके, ऐसा नहीं है कि पहला लेफ्ट लगेगा फिर राइट लगेगा, दोनों साथ में लगेगा, अगर दोनों अलग अलग लगेगा तो आपका रिम ही टूट जाएगा। अच्छा, ओके ओके, अपने आप वो डिवाइड हो जाता है। दोनों साइड आपको एबीएस नहीं लगेगा, अगर आपकी एबीएस बाइक है तो एक साइड ही एबीएस लगेगा, और नॉन एबीएस है तो सवाल ही नहीं आता। पल्स प्लेट लगाना। हाँ, तो पल्स प्लेट इस साइड में नहीं है, इस साइड नहीं है, सिर्फ राइट साइड में, सिर्फ राइट साइड में, अगर वहां से देखो तो लेफ्ट आएगा। हाँ, तो हाँ नॉर्मली हम लोगों का लेफ्ट साइड नहीं आता है। तो बहुत कोई बोल रहा है कि एबीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एबीएस एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। हाँ। दोनों साइड एबीएस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ। अगर आपको लगाना है तो आप दोनों साइड एबीएस की पल्स प्लेट लगा के हाँ। उसको बाईपास करके आप वायरिंग करवा सकते हो। अच्छा, मार्शल सिलेंडर आप चेंज कर रहे थे तो ज्यादा प्रेफरेबल है वो। हाँ। आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, मैंने नहीं किया। हाँ। मैं मोस्टली करने वाला हूँ अभी, ब्रेम्बो का डालने वाला हूँ, आरसीएस 19, क्योंकि ब्रेम्बो का जो मतलब ये जो मास्टर सिलेंडर आता है आरसीएस 19 उसमें क्या रहता है, उसमें उसका जो पिस्टन रहता है पिस्टन बहुत बड़ा रहता है, बड़ा है, उससे क्या प्रेशर झेल लेता है। डबल डिस्क में तो उसमें और अच्छा रहेगा ना, प्रेशर और अच्छा आएगा, पावर आपका अच्छा ये हो जाएगा। मैंने मेरे को जितना मालूम है कि नया जो आरसी 390 और ड्यूक 390 आ रहा है 2017 का, उसका मास्टर सिलेंडर और अच्छा है ना, उसका अच्छा है। हाँ। आपको चाहिए तो आप 220 का भी डाल सकते हो। अच्छा, क्योंकि उसका भी प्रेशर ज्यादा है उसका। अच्छा, 220 का। हाँ, 220 तो इसमें लग जाता है क्या KTM में? ओके ओके, बजाज सब पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है सब पार्ट्स में। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आई हो गया होगा कि कैसे मतलब ब्रेक लाइंस कैसे काम करता है डबल डिस्क में और एबीएस कैसे काम कर रहा है।
T3 या फिर R220 कोई भी बाइक में RR310 ठीक है तो सेम डिस्क एक अलग अलग यूज नहीं करना हाँ तो बहुत प्रॉब्लम होगी हाँ तो सेम डिस्क ही यूज करना पड़ेगा और जो भी मतलब हाँ स्टॉक्ड अगर डिस्क आप लोग यूज कर रहे हो तो दोनों स्टॉक ही रहेगा चेंज करते हो कोई और डिस्क डालते हो दोनों जैसे कि ये मतलब ब्रेम्बो का है ब्रेम्बो का 330 mm डिस्क है ठीक है ब्रेम्बो का ही है मेरा प्राइस भी बता दे भाई ठीक है कि क्या किसका क्या है आपको लिप साइड का जो फॉर्क KTM का जो फॉर्क है उसका कितना पड़ा था सेकंड हैंड अगर डालते हो तो 4000 में आपको मिल जाएगा अच्छा मैक्स। कोई मुंबई से है तो आप लोगों को कुल्ला कुल्ला में पता ही है कुल्ला से मिल ही जाएगा कैलिपर है कैलिपर नया मेरे ख्याल से कुछ 4000 का कुछ तो है और यूज लेते हो तो 1500-2000 तक आ जाएगा अच्छा ओके आपका ब्रेक लाइन नया लोगे अगर सर्विस सेंटर से लोगे तो कॉस्टली पड़ेगा आपको हाँ क्योंकि वो तो स्टील ब्लेड वाला रहता है ना KTM का तो अपना स्टील ब्लेड वाला है हाँ तो ये नॉर्मली अगर नॉर्मल भी ये अमेज़न से भी मिलता है अमेज़न में मिलता है 300-500 का मिल जाएगा 300-500 का मैक्स मिल जाएगा फिर एक्सेल है एक्सेल आपका 200 रुपए का आ जाएगा 200 रुपए का एक्सेल आ जाएगा ओके फिर डिस्क जो है वो आपके ऊपर अगर आप KTM की डालते हो तो आई थिंक सो 2400-2500 की है 2400-2500 का हाँ तो डिस्क नया लेना चाहिए या फिर यूज लेना चाहिए डिस्क नया लेना चाहिए हाँ अगर आप यूज डालोगे तो आपका ब्रेक पैक्स घसते रहेगा और बहुत जल्दी यूज हो जाएगा खत्म अच्छा, होते रहेगा अच्छा, और उसके बाद ये स्पेसर्स जो है एक मेरे ख्याल से 30 या 60 रुपीज का एक आता है अच्छा हाँ तो आपको टोटल दो और वो बाजू के 4 हाँ, अगर आप बड़ी डिस्क डालते हो हाँ, तो अगर हाँ, नॉर्मल डालोगे तो आपका एक एक स्पेसर आपका लगा हुआ ही रहेगा पहले से तो मतलब ये 60 रुपए करके है ना 30 रुपए करके है ना 30 या 60 रुपए हाँ तो ये तो ज्यादा महंगा नहीं है 1000-1500 रुपए में आपको मिल जाएगा मैकविल और जो अभी जो ऑल्टरेशन जो किया है मतलब तो उसका कितना खर्चा पड़ा मतलब जो जिसने वेल्डिंग किया है वेल्डिंग आपका आर्गन का मैक्स आपके का तो प्राइस मुझे पता नहीं मेरे यहाँ पे मेरा 1600 रुपए हुआ था अच्छा ओके 1600 रुपए हुआ था मेरा ओके तो और बाकी का जो कटिंग वटिंग था वो तो मेरे फ्रेंड की शॉप है तो वहीं पे जाके मैंने किया था तो उसका तो कुछ कॉस्टिंग नहीं मगर अगर कोई भी अगर करता है तो फिर हाँ तो उसका कितना खर्चा हो सकता है फिर भी वो कटिंग का जो लेथ में जो कटिंग किया है प्रॉपर्ली मेरे अंदाजे से तो लेथ का जो है आपका पड़ जाएगा तो लेथ का कटिंग में खेलते जाएगा उसके ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग आपके लेथ वाले के ऊपर है वो लेथ वाला कैसा है कैसा चार्ज करते हैं आपका ठीक है कम से कम 5000 रुपए लेथ का चला गया कटिंग का फिर वेल्डिंग का कितना 1500 रुपए ठीक है या फिर 1000 रुपए मैं पकड़ लेता हूँ तो फिर इधर 5 और इधर 6000 हो गया और ऊपर से मैकविल जो लगता है मतलब सिर्फ मैकविल का बात कर रहा हूँ तो मैकविल एक लगेगा आपको 1000-1500 रुपए का तो 1000 रुपए का मैं पकड़ लेता हूँ तो इसमें 7000 तो मतलब टोटल अगर जो मतलब डिस्क बनाने के लिए हाँ सिर्फ मैकविल बनाने के लिए आपको 7000 रुपए लगेगा खर्चा पड़ेगा मिनिमम 7000 ऑल्टरेशन का पकड़ लो फैब्रिकेशन का फिर बाकी आपके ऊपर की 3000 की डिस्क फिर आपका 3000 का डिस्क मतलब 10000 हो गया ठीक है 10000 हो गया 2000 का कैलिबर 12000 4000 का आपका फोक आ गया 4000 या फिर 3000-3500 ओ सेकंड हैंड तो मिल हाँ कैसे आपको मिलता है कैसे आपको मिलता है तो 4000 का ही हाँ हिसाब से हाँ तो फिर कितना हुआ अपना 10 हुआ फिर 12 4 16 16 तक हो गया और अपना ब्रेक लाइन तो बहुत ही कम हो गया हाँ ये सब मिला के और 1000 हो गई फिर आपका ऑयल हो गया ऑयल ब्रेक ऑयल हो गया तो अभी तो फिर टोटल मतलब हम लोग आप लोगों को ये बनाने के लिए अगर आप यूज करते हो तो 20000 पकड़ के चलो कैसे अभी ये सब होने के बाद अगर आपका थोड़ा भी फेलियर होता है आधे इंच का भी तो आपका जो कैलिपर है वो लगेगा नहीं अच्छा पहले कैलिपर मगर हाँ वही मतलब एकदम प्रॉपर माप से इसको बनाना पड़ेगा बाद भी बहुत कई बार ऐसा भी हुआ ना तेरे साथ भी कि प्रॉपर बैठ नहीं रहा है फिर से खोलना पड़ा पूरा खोल के वापस फिटिंग करनी पड़ती है बहुत प्रॉब्लम्स आती है बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है मगजमारी का काम है भाई ये और उसका कैसा है आपका जो एक्सेल है अभी दोनों साइड बेयरिंग हो जाता है तो अंदर का जो सेंटर का जो एक्सेल रहता है छोटा वो भी मतलब थोड़ा बड़ा करना पड़ता है और बड़ा करके डालना पड़ता है नहीं तो आपकी एक साइड की कोई भी आप टाइट करोगे तो आपका मैकविल जाम हो जाएगा और एक साइड की बेयरिंग टूटती रहेगी बार बार
कोई भी इंडिविजुअली साइड की एक बेरिंग आपकी खराब होती रहेगी. ओके ओके. तो बहुत सारी चीजें छोटी मोटी चीजें जिस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको. अगर आप खुद से बना रहे हो तो एक आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा. तो आप लोगों को तो मालूम चली गया कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है. और गाइस अभी हम लोग देखो रास्ते में बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं. तो गाइस आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा. और हम लोगों ने जितना कोशिश किया उतना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया. और कुछ हो तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टा पे कभी भी. हाँ. सैमी को कर सकते हो या मेरे को कर सकते हो. हाँ, दोनों को किसी को भी कर सकते हो. और मेरे को ख्याल से अभी इसके बाद कोई डाउट्स नहीं रहेगा क्योंकि प्रॉपर हम लोगों ने तो सब बता ही दिया कैसे इंस्टॉल होगा क्या क्या लगेगा कॉस्टिंग क्या है. हाँ, कॉस्टिंग क्या है वो सब डाल सकते हो जुना भी आपको जैसे आपके आपके ऊपर है मोस्टली. तो सब कुछ आप लोगों ने बता ही दिया. और गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो 100 के पूरा करना है गाइस. लाइक तो बनता है क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगता है ये सब. बहुत मेहनत लगी है बहुत मेहनत लगा है आपके डिमांड पे बनी है. हाँ, और ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बनी है तो लाइक करो गाइस. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. राइड एंड राइड सेफ गाइस. बाय बाय बाय.